अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे, वेलकम है मेरे चैनल अलमास फातिमा में। ये मैंने बनाया है पुलाव, तो मैंने कहा कि आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का यमी यमी किस्म का पुलाव बना था। तो बहुत इजी तरीका है यखनी बनाने का और पुलाव बनाने का, तो चले आए देखते हैं कि कैसे बनता है। तो देख लें, माशाल्लाह बहुत मज़े का था। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन की पीस थे तो मैंने इसको रख दिया पानी में बॉईल होने के लिए। हमेशा सबसे पहले मैं पानी डाल के ना थोड़ा आधी चम्मच नमक डाल के, वो पहला जो पानी होता है ना वो झाग वगैरह आई होती है तो वो वेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा पानी में नमक डाल के और जितने मसाले वगैरह होते हैं वो सब साबुत में ऐसे ही डाल देती हूँ इसके अंदर, और डाल के फिर प्रेशर कुकर चला देती हूँ ताकि वो यखनी बन जाए। और नमक मिर्च तो आप अपनी अकॉर्डिंग अपने मुताबिक डाल सकते हैं, कर सकते हैं कम ज़्यादा, जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं। अगर आप इस मसालों को पोटली बना के उसमें डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे ही साबुत डाल देती हूँ क्योंकि बाद में सिर्फ अदरक रह जाती है जो घुलती नहीं है। अदरक को फिर मैं कूट लेती हूँ। बाकी मसाले तो वो प्रेशर चलने की वजह से इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो वैसे ही आप चम्मच से हिलाएँ तो वो उसमें हल हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। यखनी पुलाव बनाने का इससे बेहतरीन मेरे ख्याल में कोई तरीका नहीं होता। मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर चला दिया था तो ये मेरी यखनी बन के माशाल्लाह तैयार हो गई है और बहुत मज़े की यमी किस्म की थी। तो ये बन गई थी और जो मसाले थे वो सारे उसमें डिज़ोल्व हो गए हुए थे जब मैंने वो गोश्त फिर प्याज ब्राउन किए चावलों के लिए और उसमें फिर बोटियाँ वगैरह डाली और मसाले जो थे वो डाले तो वो किया तो सब कुछ वो उसमें हल हो गया था बहुत आसानी से। फिर मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, चावल को भिगे हुए आधा घंटा हो गया हुआ था। ये देख लें चावल भिगोए हुए थे और फिर ये लज़त भाई के चावलों की तरह इतने अच्छे वाले चावल तो नहीं है, लेकिन खैर बस जो भी चावल है ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरा पुलाव बन के तैयार हो गया था। मैं दिखाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रेडी हो गया था तो हमने मज़े ले लेके खाया। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कैसा है। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। दुआओं में याद रखा करें और बताएं जी किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। जिसके मुँह में पानी आ रहा है आ जाए, बिस्मिल्लाह कर ले, खा लें, आप खा सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। ये ले जी माशाल्लाह यम्मी यम्मी पुलाव हमारा रेडी हो गया। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आइए खाइए। अल्लाह ताला सबके रिज़क में खानों में बरकत अता फरमाए, बहुत सारी सबको तरक्की दे, कामयाबी दे। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त और अच्छे अच्छे कमेंट करने ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करें, लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना किया करें, लाइक का बटन तो बनता है ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।